बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं अगेन वो है इफ्तार के खानों से रिलेटेड और टाइटल क्या है इसका बताएंगे मौजम। टाइटल है इफ्तार हेवन ऑफ इंडिया रमजान स्पेशल स्ट्रीट फूड एट मोहम्मद अली रोड। वेल गाइस देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये क्या मौसम कतलम्मा नहीं कतलम्मे के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हैं। ओहो ये तो मालपावा अगर मैंने सही नाम ले लिया हुआ तो मालपावा क्योंकि मैं हमेशा गलत नाम लेती हूँ मालपावा का। कितना इस्तेमाल होता है ना वो रोटियां लग रही है मुझे ये किस रमजान स्ट्रीट फूड मीनारा मस्जिद मोहम्मद अली रोड पे। वैसे हम पहले भी आए हैं क्या हुआ देखिए हमें पहले अच्छा मतलब क्योंकि मैंने आए हैं तो वर्चुअली हम कर सकते हैं। हलवा पूरी कोकोनट तो रोज हमें तो होती है ना रात के टाइम हलवा पूरी। हाँ मुझे पता ही नहीं है अफ्तारी वो सहरी के लिए नहीं ये सहरी नहीं है इफ्तारी है। हाँ इफ्तार के लिए भी होती होगी लाजमी बात है। अभी देखो इसको पता नहीं है ना होती होगी चेक किया करो इसको। अच्छा मुझे लग रहा है ये पूड़ी ही बना रहे थे इतनी बड़ी जो है ना ये इतना बड़ा पेड़ा इन्होंने पूड़ी ही खाई है। करते रहो पूड़ी पूड़ी नहीं ये तो पूड़ा है मेरी बड़ी रोटी को संभालना मुश्किल है। वैसे जब ब्लॉग बनाती हूँ तो सबको मेरी रोटियाँ बहुत बड़ी लगती हैं मुझे इनकी लग रही है वो वाकई बड़ी है। हाँ कढ़ाई में डालना भी मुश्किल है ना। हाँ ओके नवी है भी कढ़ाई छोटी पड़ गई है। ये भी वैसे एक आर्ट है खाना बनाना वैसे एक आर्ट है मतलब नहीं ये ज्यादा बड़ा आर्ट है ठीक है भाई साहब खुश भी बहुत है ना क्योंकि वीडियो बन रही है ऐसे काफ़ी क्रिस्पी लगा। अच्छा ये मुझे लगता है कि ना तोड़ तोड़ के हाँ देते होंगे यहाँ पे तो हलवा भी बड़ा तोल के ये भी सही है यार मखाना बड़ा वाला ये गुलाब जामुन एग मालपुआ ये तो मैंने पहले भी देखी है ना इन्हीं की देखी है। हाँ मालपुआ तो याद है ना उन लोग पहले दफा लगता था बहुत लगा था लेके जाओगे न्यूज वाले अंडे तो कोई खराब अंडा निकला है तो चेक करके लाते होंगे नहीं उन्हें तोड़ तोड़ के डालते जा रहे ना कैसे वो फूल जाता है ना।
जितने में पहले वाले इनके चार निकल आते हैं, जितने में दूसरे चार डाल। अच्छा लेकिन देखो एक ही साइड से बुक कर रहे हैं। हाँ दोनों साइडों से नहीं, मुझे लग रही थोड़ा और निचोड़ना चाहिए। निचोड़ जाता होगा बड़ा बड़ा ये नट्स डाल दिए ना, ये नट्स वाला है, ये ज़्यादा नट्स वाला है ना। पहले वाले तो नट्स वाले नहीं थे ना? नहीं थे, वो सादे थे। क्या है गिर बहुत रहा है। नट्स वाले मुझे स्पेशल बनते हैं, मुझे भी लगता है, और मतलब महंगा होता होगा ना। स्पेशल भी कहता होगा तुम, बनते हैं सादा होता होगा ना, हम अपने ही अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हाँ वैसे कैसा तो होगा खाने में, अच्छा ही होता होगा। तो हाँ मतलब मुझे लग रहा है वैसे, पता नहीं गलत भी हो सकती है, इंटरप्रेट टाइप ही होता जैसे। हाँ हाँ ब्रेड सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, पैकिंग अच्छी नहीं है। पैकिंग अच्छी है, मतलब गरम भी रहेगा। संतर पैनकेक मेड ऑफ स्टीम राइस बटर, ओए अच्छा ये जो वो निकाल रही है। हाँ पहली दफा देखी यार, ये सही है मौसम, ये डिफरेंट भी है। मुझे पहले ना थोड़ी देर जब वो निकालते मुझे इडली लग रही थी, नहीं इडली नहीं, नहीं मुझे इडली में खीर टाइप लग रही थी, खीर भी लगी थी। हाँ बट डिब्बे में से खीर कैसे निकाल रहे हैं, क्या क्या तरीका है ये एंशियंट तरीके है ना। हाँ कदीम ज़मानों में जो ओवन बेकिंग के लिए बेक ही किया जा रहा ना, स्टीम नहीं स्टीम नहीं जा रही, कैसे नती है मुझे लग रहा टेस्ट डिफरेंट होता होगा। ये चावल है ना, ये इनके चावल के ऊपर भी लगा दूध है, दूध मतलब चावल मैश हो गए हैं है ना। क्या क्या तरीके हैं, ये मैं पहली दफा वैसे देख रहा डाल दिया था, नीचे चूल्हा है नीचे पानी वो नीचे उसके ऊपर रखा हुआ है, पता नहीं क्या वैसे सलाखें सी हैं, नहीं नहीं डिब्बा है साइड में, वो समझ नहीं आ रही मुझे क्या कैसे किया आ रहा, लेकिन यूनिक तरीका है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि स्टीम कहाँ से दी जा रही है, नीचे चूल्हा है तो चूल्हा नज़र भी नहीं आ रहा। ये चीज इसमें काफी डिफरेंट देखने को मिली, चार चार जुड़ी नहीं है ये। हाँ कोई पूछ भी रही कैसे बनता है, निकालते कैसे होंगे इसको, मैदा रोटी ये क्या होती है, मटन और चिकन अभी स्टफिंग की जाती है, ये कैसे वो हाँ मैदा है ना। अच्छा अच्छा
अब इसको वो करेंगे दूसरा है ओके इधर से वो ब्रेड टाइप नहीं बन गई लेकिन क्रिस्पी होगी हाँ क्रिस्पी होगी ऐसा तो वापस रोल जैसे इंडिया में काफी ज्यादा इफ्तार में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं वैसे भी हम बाहर भी खाते तो हम बेफ्तार में इतना रुमाली रोटी शुक्र कोई चीज तो मिलती है यार वैसे पता नहीं कि मुझे ये डिफिकल्ट लगती है पकाना वो क्यों नाग देखो ना किस तरह से वो मतलब उल्टे दामले पे पक नहीं रही है नहीं पक जल्दी जाती है नहीं नहीं पर इसको खुशका बड़ा लगा होता है मज़ा आता है खाने का वैसे मम्मी को बड़ी पसंद थी हाँ मम्मी को पसंद थी बट मुझे वैसे घर की रोटी पसंद वैसे मुझे भी अच्छी लगती है इसका ये है ना कि वो सख्त नहीं होती ये नरम ही रहती है मतलब कि मुझे डेली खाना पसंद नहीं है डेली तो नहीं बंदा खा सकता तो मुझे लग रहा है एक साइड अच्छी है शायद हम पकाते जाना है देखना इस साइड से एक पकी सीख कबाब इंडियन स्पाइसी में चलो ये तो यहाँ पर भी मिलती है ना हाँ दो प्लेट बोटी खाने का पार्सल तैयार दो प्लेट सिख इसका दो प्लेट सिख दो प्लेट सिख दा सलाम वैसे मेरे ख्याल ऐसी मार्केट है जहाँ पे देख देख के ना सिर्फ देख देख के आपका पेट भर जाए खाना पड़ेगा फिर देख के कोई पेट भरता चल पार्सल डाल दिया खाने की वीडियो देखो ना टाइम तो गुजर का पता नहीं चल हाँ बुरहानपुर मावा जलेबी जलेबी वैसे मुझे भी ना ये मोटी मोटी वाली जलेबी पसंद है मुझे पतली जलेबी मोटी खाने की मजा आता है पतली वाली पसंद है ज्यादा हाँ मोटी वाली में ज्यादा शीरा से ग्राटो जलेबी मिलती है यार मैंने अभी तक नहीं खाई मैंने भी नहीं खाई वो भी हम खाए ग्राटो जलेबी ये समझ नहीं आती काली कैसे हो जाती है मैंने सर कलर
अब देखो इतना उन्होंने बना कर तो ये शीरे में डाल दी। हाँ, तो उसी में काली थी। तो वही तो कह रही हूँ कि मतलब क्या इसमें ऐड तो कुछ करते होंगे ना शायद, क्योंकि मैदा होता होगा है ना, शायद मैदा ही होता होगा पता नहीं शायद मतलब वो तब अपनी भी कमेंट्री कर ये पता नहीं वैसे गर्म या ठंडी खाने का मजा है, जलेबी तो गर्म गर्म खाने का बड़ा मजा आता है। हाँ, मुझे जलेबी गर्म गर्म खाने का मजा आता है, इसमें शक ठंडी तो मुझे भी नहीं पसंद। और तुम ये देखो ये कितनी वो है फ्लेक्सिबल सी है। हाँ, जुड़ी जुड़ी सी जो कुछ तो डिफरेंट होगा ना, वही तो कह रही है इंग्रेडिएंट कुछ डिफरेंट होगी, क्योंकि जो यहाँ पर जलेबी हम देखते ना तुम देखो वो टूट जाती है, नहीं वैसे सख्त होती है सारी है कि वही ना वो सर लचक जाए टूट जाती है लचक दें तो उससे ट्रेन के डिब्बों की तरह एक साथ जुड़ी हुई है मेरी बहन को क्या क्या भी लग रही है ऐसे मैं क्या करूँ। और इसी की तरह के वो थे कोल्ड ड्रिंक। अच्छा जी रोज सिरप सच में मतलब असली वाला रोज सिरप होता है क्या? रोज ही मिलता होगा वो पाकिस्तान में मिलता रोज बाकी इंडिया में कहीं ना वहाँ पर वाकई में मिल सकता है रोज सिरप पाकिस्तान में आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं रोज 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 पी यहाँ पे तो लड़के गुलाब भी आर्टिफिशियल वो तो कह रहे हैं कि गुलाब ही आर्टिफिशियल बन गया ये तो वो है सवैया टाइप ना मतलब ना जैसे पोटे वाली सेवियाँ उस टाइप की मुझे लग रही है हाथ से बनी हुई मेरे की। खोया पता नहीं चला खो गया था ना इसलिए मुझे लग रहा है ये जो इन्होंने वो उसमें छाबी में से डाली है ना वो जो सवैया टाइप मुझे लग रहा है वो शायद उसकी बनी हो उसके अंदर भी हो सकता है क्योंकि पिंक कलर तो वो लाल सा कलर। भाई रोज़ों में जो है ना सबसे मुश्किल काम होता है इफ्तार वाले और जो है सहरी वाले व्लॉग्स देखना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है मुंह में आपके जो है पानी आ रहा होता है इतना ज्यादा जो है वो खाना देखकर तो अंदर ले जाया करो जो गला खुश किया वो तर हो जाएगा। वही कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है भाई कि इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि सिर्फ एक टाइम का खाना होता है जो आपने मिस करना होता है, बाकी दो टाइम में तो आप खाना खा रहे हैं। ज्यादा आपको प्यास लगती है? हाँ प्यास आप कह सकते हो कि आपको लगती है, बट भाई आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज थी हमारे लिए वो थी एक तो संदल आई थिंक वो जो पैनकेक बने हुए थे स्टीम्ड राइस के और हाँ पढ़ लें सारा पढ़ लें मुझे समझ आ रहा था अभी देखो ना वैसे हम लोगों ने देखा कि मुझे लग रहा है कि ये चावल डाले और दूध डालते जा रहे हैं, तो मतलब बेसिकली उन्होंने स्टीम्ड राइस पहले राइस बनाकर उसको डाल कर उसके अंदर फिर ऊपर दूध डालकर फिर उसको दोबारा से वो रख रहे थे ना? पिस्ता बिल्कुल इस तरह वैसे ये ना ये बचपन में याद है कुछ इस तरह का वो होता था बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी यार क्या नाम लेते हैं एक तरह का आप वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ वो दूध वाले चावल जो होते थे कुछ उस टाइप का नहीं लग रहा फिर बिल्कुल भी उस टाइप का नहीं होगा ये बिल्कुल डिफरेंट एक पुडिंग टाइप होगी सो मुझे लगता है कि ये मजे का होगा क्योंकि देखो उसके अंदर उन्होंने जैसे कहा ना विद सॉफ्ट मलाई एंड पिस्ता तो मुझे लग रहा है कि काफी ये फ्लेवरफुल होगा और जो लोग स्पेशली इनको डिजर्ट बहुत अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि उनके लिए उनको तो उनके लिए तो एक ट्रीट है ये क्योंकि बड़ा यूनिक आइडिया था यार। वैसे जो है ना आप इंडियन स्ट्रीट फूड देखे ना आपको यूनिक आइडिया जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं। वैसे हमने क्या नाम लेते हैं इससे पहले भी जो हमने देखा था जो मोहम्मद अली रोड का व्लॉग देखा था उसमें भी तकरीबन सारी चीजें थी लेकिन एक दो चीजें जो है वो नहीं थी बीच में। तो आप जब दिल्ली की भी फूड स्ट्रीट देखते हैं जो जामा मस्जिद के पास है ठीक है तो आपको बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट डिफरेंट खाने को मिलते हैं। मालपुआ तो भाई हम लोगों को पता चल गया बड़े मतलब पहले टाइम से ही वो हमारे लिए बड़ा डिफरेंट होता है मालपुआ क्या होता है
बट उसके साथ साथ मैं बात करूंगी कि जो हलवा पूरी है हाँ. वो रात के टाइम भी मिलती है क्योंकि लाहौर में यहाँ पर मतलब मैंने नहीं कभी देखा कि हलवा पूरी मेरा ख्याल है अफ्तारी में तो मिलती होगी. चलिए मैं अपना किसी दिन हम लोगों ने मेरा दिल है कि अगर किसी दिन हम लोग को टाइम मिला और मौसम ने भी इजाजत दी तो हम लोग जरा बाहर जाकर मौसम ने तो हम लोग बाहर जाकर नोट करेंगे क्या क्या चीजें खाने को मिलती हैं और क्या क्या मतलब हमारे पास वैरायटी है खाने में जो कि आई एम श्योर काफी कम होगी, रिपीट ही होती रहेंगी काफी ज्यादा चीजें. ये तो है कि आपको जो है यहाँ पर फूड स्ट्रीट में वो इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता. इवन की आप फूड स्ट्रीट भी चले जाए वहाँ पे भी वही चीजें जो है रिपीट होती रहती है. और इस तरह की फूड स्ट्रीट जो है ना मेरा ख्याल है कि लाहौर में अब इस तरह की शायद ही आपको कोई फूड स्ट्रीट मिले जहाँ पर जो है जैसे एक डेडिकेट कर दी जाती है ना मोहम्मद अली रोड है फिर उसके बाद दिल्ली की है तो इस तरह तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही अब आपको जो है लाहौर में कोई मिले. कितनी पुरानी लगती भी है, लगती भी है कि आपको यहाँ पर यू नो मेन कोर्स भी मिल जाएगा और छोटी छोटी चीजें स्टार्टर की भी मिल जाएंगी खाने की. ये वही ना आपको हर चीज जो है वो एक ही जगह पर जो है मिल रही जो आपका दिल कर रहा है खाने को आप खा सकते हैं और जा सकते हैं. जाना तो है बिल्कुल जाना तो है ही है ना लेकिन जो है खा सकते हैं किसी और दुकान पर भी जाके बैठ सकते हैं. और फिर उसके बाद भाई जो वो एक शरबत बनाया गया था हाँ मतलब वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैंने वैसे एक चीज देखी इंडिया में काफी सारी ऐसी चीजें आपको मिलती है जो आपको अब मुझे नहीं पता कि ये वाला वाकई में जो गुलाब की पत्तियों से कुछ बनाया गया होगा या नहीं बट काफी ज्यादा ये देखा है कि जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है उससे चीजें बनाई जाती हैं. हाँ. क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है वो यूज किया जाता है. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो चीजें ना टेस्ट में क्योंकि एक तो खुशबू बहुत डिफरेंट होती होगी क्योंकि गुलाब की पत्तियों की तो वैसे ही बड़ी खुशबू होती है और दूसरा मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से वो बना भी रहे थे ना बीच में खोया और ऊपर आइसक्रीम डालकर तो मुझे लगता है कि मजे का होगा. वैसे ये तो आप सही कह रहे थे फलूदा होता तो मजे का है यहाँ पर काइंड ऑफ फलूदा लेकिन होता मजे का ही लेकिन क्योंकि अगर अब उसमें जो है वो गुलाब का टेस्ट आ जाए तो मेरा ख्याल है कि वो एक अलग ही आपको जो है ना उसकी फीलिंग्स जो है वो एसेंस जो होती है वो अलग ही होगी उसकी. वेल गाइस मुझे लग रहा है कि हम लोग इस मरतबा काफी ज्यादा वीडियोस जो है वो खाने पीने की देखने वाले क्योंकि काफी ज्यादा वीडियोस हमें सजेस्ट हो रही है. बाकी आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में भाई कि मोहम्मद अली रोड पे आपके लिए सबसे ज्यादा फेवरेट चीज कौन सी है जो आपने खाई है. ऑब्वियसली काफी ज्यादा यहाँ पर नॉन वेज फूड था तो वेज फूड भी यहाँ पर मिलता होगा तो जरूर बताइएगा हम लोग कॉमेंट सेक्शन में दोनों कैटेगरी के फूड्स के कौन से ज्यादा टेस्टी होते हैं मतलब के अपनी अपनी पसंद के लिहाज से कौन सी आपको ज्यादा पसंद है या फूड आइटम जो है वो आपको पसंद है कॉमेंट सेक्शन में बताना. गुड बाय.